हेलो स्टूडेंट, टुडे आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो एमसीक्यू पहला, एक्सरसाइज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसमें आएगा आपका RDMS, डिसीजन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका, व्हाट एक्सटेंशन डज MS एक्सेस टू फ्रॉम 60 फाइल है, कौन सा एक्सटेंशन होते हैं, .accdb, ये वाला सही है आपका। नेक्स्ट आपका, अ रो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ए टेबल इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं उसको, रुको, रिकॉर्ड, और जो तो रिकॉर्ड वाला सही है इसमें, और बाकी अगर रुको ये कॉलम होता तो क्या था, फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक्सेस इन एक्सेस इज यूज टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, क्या है उसमें, क्वेरीज। नेक्स्ट आपका, विच ऑप्शन डिस्प्ले द नेम ऑफ डाटाबेस एंड द प्रोग्राम, क्या डिस्प्ले करता है, टाइटल बार। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका, स्टेट द ट्रू और फॉल्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS, तो ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट आपका, टेबल क्वेरी रिपोर्ट्स एंड फॉर्म कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये आपका ट्रू है। द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड, ये भी ट्रू आपका। वी कैन एड डाटा टू टेबल इन द डिजाइन व्यू, ये आपका फॉल्स। नेक्स्ट आपका, द प्राइमरी की आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल यूनिकली, ये आपका ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन सर फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, डैश अ डैश इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, क्या इसमें, डेटा बेस। नेक्स्ट, ईच डेटा एंट्री इज सेल ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड ए डेटा आइटम। नेक्स्ट, एवरी डैश हैज सम प्रॉपर्टीज दैट डिनाइड इट्स करेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर, इसमें आएगा फील्ड। नेक्स्ट आपका, अ डैश फाइल फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यू एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, क्या निकलता, प्राइमरी की ना रिपीट करती है ना ब्लैंक छोड़ते हैं। वी कैन एड रिकॉर्ड इन द टेबल इन द डैश व्यू, कौन सा व्यू होता है, डेटा शीट। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको वर्ड वर्ड आंसर बताने हैं आपको। पहला आपका, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू क्रिएट एक्सेस अपडेट एंड क्वेरी अ डेटाबेस, क्या कहते हैं इसको, TBMS। अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज टू डेटा इन द फॉर्म रिकॉर्ड एंड फील्ड, क्या कहते हैं उसको, टेबल। नेक्स्ट आपका, दीज बटन्स डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड इन द ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं नेविगेशन बटन। लास्ट आपका, दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंड हाउ मेनी करेक्टर्स वी कैन एंटर इन ए फील्ड, इसको बोलते हैं फाइल्ड साइज। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग, तो डेटाबेस DBMS टेबल, तीन आपके DBMS को आपको कैसे डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन आंसर आपको क्या है, वीडियो को पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिख अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है आपको वीडियो को पॉज करके। तो डेटाबेस का आंसर सीखेंगे हम, और डेटाबेस रिफर टू एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन ए कंप्यूटर, डेटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का जो कि कंप्यूटर में सेव होता है। DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू क्रिएट एक्सेस अपडेट एंड क्वेरी अ डेटाबेस इज नॉन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और एक क्वेरी के थ्रू डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सी आपका टेबल, और टेबल इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट है तो स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोल कॉल, टेबल क्या होती है आपके डेटा को रो और कॉलम के रूप में क्या करती है, कलेक्ट, जो आपके टेबल है डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डेटा DBMS, एडवांटेज है DBMS, क्या एडवांटेज है डेटाबेस का, रिड्यूस डेटा रिडेंसी, पहला रिड्यूस डेटा रिडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस अपडेट और एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी, और आपकी अपडेट डेटा को अपडेट करता है, एरर को हटाता है और
कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूजर्स, और डेटा को एक्सेस कराता है किसको, यूजर को। तो ये इसके एडवांटेज हुए डेटा इसके। अब नेक्स्ट आप और फोर है आपका इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, और डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, डेटा को आपको सिक्योर लगता है। तो आपका मेंटेन स्टैंडर्ड, और एक डेटा को मैनेज करने का एक स्टैंडर्डाइजेशन आपका डेटाबेस रखता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज प्राइमरी की, हाउ डू वी सेट द प्राइमरी की एस एक्सेस। आपको बताएं प्राइमरी की क्या है। तो प्राइमरी की इज अ फील्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन टेबल। तो टेबल में किसी फील्ड को यूनिकली आपको रखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे। प्राइमरी क्या होता है, किसी फील्ड को यूनिक रखना। अच्छा, किसी सेट किसी फील्ड को प्राइमरी की कैसे सेट करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन है डिज़ाइन व्यू, क्लिक ऑन द इन द डिज़ाइन व्यू क्लिक ऑन द फील्ड वी वॉन्ट टू सेट द प्राइमरी की, वी द सेलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड। क्लिक ऑन द प्राइमरी, तो डिजाइन व्यू के अंदर जिस फील्ड को मैं प्राइमरी की बनाया उसको सेलेक्ट करना है। स्टेप टू, द फील्ड विल बी सेट एज द प्राइमरी की, ए डबल होगा सेट एज होगा, ए एस है एज द प्राइमरी की इंडिकेट बाई अ स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टर कॉलम। तो स्टेप टू क्या आपका, पहले में आपको सेलेक्ट करना है, दूसरे में क्या करना है आपको, तो फील्ड सेलेक्टर कॉलम में प्राइमरी के जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है हमको। थर्ड में एक्सेस प्रमोट्स अ मैसेज विंडो रिमाइंडर अस टू सेव चेंजेस एंड क्लिक यस बटन। और जब हम विंडो क्लोज करेंगे तो एक बटन दिखाई देगा यस या सेव का, सेव चेंजेस यस या नो, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। और लास्ट में आपका टेबल भी क्लोज, आपकी टेबल क्लोज हो जाएगी और आपको जो फील्ड प्राइमरी की बनाना है वो प्राइमरी की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द स्टेप टू ऐड रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल में रिकॉर्ड को कैसे ऐड करेंगे, इसके स्टेप लिखने आपको। तो ओपन द टेबल इन द डेटाबेस व्यू, तो किसी भी टेबल को डेटाबेस के व्यू में ओपन करेंगे। सेकंड आपका क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑन द टेब होम टैब रिकॉर्ड व्यू इंसर्ट इन द टेबल, और होम टैब के अंदर रिकॉर्ड व्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपके फील्ड हैं उनके सामने एक रिकॉर्ड के कॉलम आ जाएंगे। और नंबर थ्री है, टाइप द वैल्यूज ऑफ द वेरियस फील्ड इन द रिकॉर्ड। और जो फील्ड्स के फील्ड में जो रो में रिकॉर्ड बन के आएंगे उन्हें रिकॉर्ड फिल कर देने हमको, और आपके रिकॉर्ड फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, हाउ कैन यू मूव अ फील्ड इन द टेबल। तो किसी फील्ड को टेबल में कैसे आप मूव कराओगे। तो पहला है स्टेप वन, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू मूव, टेक ए पॉइंटर द बटन बॉर्डर ऑफ द फील्ड हेडर सेट। जिस फील्ड को हमें मूव कराना है उसके ऊपर पॉइंटर को ले जाएंगे और उसे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्लिक ऑन द डायरेक्ट लेफ्ट और राइट डिजायर्ड डायरेक्शन वाइल रहेंगे वर्टिकल लाइन एंड कैडस, और क्लिक करने के बाद हम उसे लेफ्ट क्लिक से प्रेस करेंगे और लेफ्ट या राइट जिस तरफ हम उसे लेके जाना है उस तरफ हम उसे ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं। स्टेप थ्री है, वंस द वर्टिकल लाइन इज पोजिशनल एट द डिजायर्ड लोकेशन प्लीज द माउस बटन। आपकी वर्टिकल लाइन जैसे ही इधर उधर चलने लगे तो जहाँ पे आप उसे लेके जाना है वहाँ पर आप अपने माउस के क्लिक को आप छोड़ सकते हो और वो फील्ड आपका वहाँ पे मूव हो जाएगा। सो फ्रेंड, आपके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू टू